नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 7 का वीडियो नंबर 29 में स्वागत है। हमने वीडियो नंबर 28 में अभ्यास कार्य का एक भाग कर लिया था, प्रश्न उत्तर वन वर्ड क्वेश्चन। अब दूसरा भाग है। दूसरे भाग में आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। ये आपको वाक्य दिया गया है और उस वाक्य को या पूरी लाइन में कहाँ, जिस वाक्य को अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया है, उसकी जगह हम प्रश्न का निर्माण करेंगे। यानी कि संस्कृत में जो प्रश्न से संबंधित शब्द हैं वो हम लगाएंगे यहाँ पर। देखिए पहला क्या है, रमायाहा पिता समाजस्य प्रत्राणाम असहत। रमा के पिताजी ने समाजस्य समाज का प्रताड़ना भी असहत सहन की। कि रमा के पिता ने समाज की जो प्रताड़ना थी वो भी सहन की। ये हमारा वाक्य है, ये हमारी हिंदी बन गई। अब इसी वाक्य का यदि प्रश्न बनाना है तो क्या बनाएंगे, किसके पिताजी, क्योंकि हमारा जो अंडरलाइन वर्ड है वो रमाया है, तो इसकी अगर इसकी हम हिंदी में इसका प्रश्न बनाएं तो क्या बनेगा, कि किसके पिताजी ने समाज की प्रताड़ना सहन की। तो यहाँ रमाया है, रमाया क्या है, हमारा स्त्रीलिंग वर्ड है, स्त्रीलिंग हमारा शब्द है। तो जो जब भी हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो हमारे किम के शब्द रूप चलते हैं। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, लेकिन हमारे ग्रामर में अब प्रश्न निर्माण का एक अलग से टॉपिक है, उसको आप करोगे, उसको मैं करवाऊँगी, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमारा किम स्त्रीलिंग है, तो प्रथम पुरुष में, प्रथमा विभक्ति में, एक वचन में, द्विवचन में क्या रूप बनते हैं इनके, तो ये शब्द रूप ही हमें प्रश्न निर्माण में यूज करना है, प्रयोग करना है इसका। तो यहाँ क्या था, यहाँ पूछा गया था कि रमा के पिताजी ने समाज की प्रताड़ना भी सहन की। तो रमा क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग हमारा, तो रमायाहा, रमायाहा रमा के, ये बहुवचन हो गया, सॉरी एक वचन हो गया, तो किम शब्द रूप का एक वचन में कस्यहा आ जाएगा। तो हम क्या कैसे लिखेंगे इसको, कस्यहा, रमाया की जगह क्या लिख देंगे, कस्यहा पिता समाजस्य प्रत्राणम असहत। तो अब इसकी हिंदी क्या हुई, कि किसके पिताजी ने समाज की प्रताड़ना सहन की। इसको लिखना कैसे है कॉपी में, आपको पहले भी प्रैक्टिस करवाई है, एक बार फिर बता देती हूँ। मान लो क्या ये हमारा है ही रमाया है, यहाँ पर हम ये उत्तर लिख देंगे, यहाँ पर कस्या लिख के डॉट डॉट डाल के, चाहे आप पूरी लाइन लिख दो, लेकिन लास्ट में जैसे एस है तक लिख लिया आपने तो क्वेश्चन मार्क डालना है, क्योंकि हम प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा है, पत्युहु मरणांतरम रमा बाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पत्युहु पति के मरणानंतरम मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत चली गई। तो हिंदी क्या हुई, कि पति के मरने के बाद रमाबाई कहाँ गई। अब अंडरलाइन क्या है हमारा, पत्युहु, तो क्या आ जाएगा इसकी जगह, अगर हम हिंदी में इस प्रश्न बनाएं तो किसके मरने के बाद, तो पत्यु क्या है, पुल्लिंग वर्ड है, पुल्लिंग के लिए किम शब्द रूप में फिर क्या आएगा, कस्य, कस्य का अर्थ होता है किसके मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र चली गई। गय भाग, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। रमाबाई ने मुंबई नगरे, मुंबई नगर में शारदा सदनम, शारदा सदन नामक संस्था की अस्थाप्यत संस्था स्थापित की, संस्था की स्थापना की। तो रमाबाई ने कौन से नगर में या कहाँ पर, कौन से नगर नहीं होगा, को कहाँ पर शारदा सदना सदन की स्थापना की। तो कहाँ, कहाँ के लिए हमारा क्या आएगा, पुत्र, पुत्र का अर्थ होता है कहाँ पर।
आगे है 1922 तमे ख्रिस्ताब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधनम् अभवत्, निधन हो गया। तो हिंदी क्या हुई कि 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो प्रश्न बनाएंगे तो क्या होगा, 1922 ईस्वी में किनका निधन हुआ, तो रमाबाई, वही हमारा स्त्रीलिंग वर्ड है, तो कस्याः। स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म, स्त्रियः महिलाओं की शिक्षा का लभन्ते स्म, उनको लाभ मिलता था, यानी कि वो उन्होंने उनके लाभ के लिए क्या किया। तो स्त्रिय किनके लिए, का यहाँ पर कहा गया। ये आपके प्रश्नों के उत्तर, ये आपके दीर्घ हैं। दीर्घ आप अपने बुक में से ये आप फाइंड आउट करोगे। इनकी हिंदी में बता देती हूँ। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने किनके लिए आंदोलन प्रारंभ किया, निस्सहाय स्त्रिय आश्रम में किम किम लभन्ते स्म, निस्सहाय बेसहारा स्त्रियों को आश्रम में किम किम क्या क्या लाभ मिलता था, या क्या क्या वो करती थी। कस्मिन विषय, कौन से विषय में रमाबाई महोदया का योगदानमस्ति, योगदान है। कौन कौन से विषय में, केन रचनाद्वेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, केन किनके द्वारा, रचनाद्वय दो रचनाओं, ऐसी कौन सी दो रचनाएं थी जिनसे रमाबाई की प्रशंसा हुई थी। तो आपको प्रश्न उत्तर भी फिर नोटबुक में करने हैं, प्रश्न निर्माण भी। आगे आइए, हमारा है चौथा भाग। इसमें देखिए इन्होंने कहा है अधोलिखितानि पदानाम, नीचे लिखे हुए पदों को निर्देशानुसारम पद परिचय लिखत। पद परिचय बच्चों, पद परिचय क्या होता है कि जो भी हमारा कोई भी पद आ जाए, मान लो ये हमारा वेदा नाम ये आ गया, हमारा पद है ये, तो इसका परिचय देना है। परिचय में क्या होता है कि ये जो शब्द है इसमें कौन सी धातु है, कौन सा वचन है, कौन सा लकार है, ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं हमें। पद परिचय देना होता है इसका, इसके बारे में परिचय मतलब इसका इंट्रोडक्शन, बिल्कुल इसमें क्या क्या चीज़ है वो बतानी है। जैसे आपको एक उदाहरण देकर इन्होंने बताया है कि वेदा नाम, ये हमारा शब्द हो गया वेदा नाम। अब इन्होंने पूछा है, ऊपर इन्होंने हेडिंग दे दिए, ये दे दिए कि मूल शब्द बताओ, इसमें लिंग बताओ, विधि विभक्ति बताओ और वचन बताओ। तो वेदा नाम में मूल शब्द क्या है, वेद, क्योंकि वेदा नाम तो रूप बना है इसका वेद का। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। विभक्ति कौन सी है, इसमें षष्ठी है वेदा नाम में, और वचन बहुवचन है। तो आपको आगे जो इन्होंने दे रखे हैं वो बताने हैं, कैसे पिता मूल शब्द पितृ, और लिंग क्या है पिता में, पुल्लिंग, विभक्ति प्रथमा, और वचन एक वचन। शिक्षायै, शिक्षा मूल शब्द स्त्रीलिंग, तृतीया रमा की तरह रूप चलते हैं, जैसे बहुवचन में रमायै, या आप राम की तरह भी इसका तृतीया, और इसमें बहुवचन है। कन्या मूल शब्द कन्या स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। नारी नाम नारी मूल शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन। मनोरमा स्त्रीलिंग है, तृतीय विभक्ति है और एक वचन है। इनमें आपका कोई भी गैस या कोई भी आपका और कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। शब्द रूप और धातु रूप को एज इट इज ही याद करना पड़ता है और उनको याद रखना पड़ता है। आगे देखिए, अधोलिखितानाम धातुनाम लकार पुरुषम वचन शब्दस्य वचन वचनस्य लिखत। नीचे लिखे हुए धातुनाम धातुओं के लकार पुरुष और वचन लिखिए। आपको एक एग्जांपल दे दिया, यथा जैसे आसीत, आसीत में धातु क्या है, अस है,
लकार कौन सा है? लंग लकार। पुरुष प्रथम पुरुष और वचन एक वचन। अब आगे जो आपको करने हैं वो बताने पड़ेंगे कि किस में कौन सी धातु और शब्द वचन पुरुष कौन से हैं। कुर्वंती क्री धातु है हमारी, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, करोति कुरुते कुर्वंती। आगच्छत गम धातु, मैंने पहले भी बताया है कि किसी धातु में भी ए लग जाता है तो वो लंग लकार में चले जाते हैं, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। निवसंती नी उपसर्ग है इसमें और बस धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ते तयंती ती तयंती, अंति हमेशा बहुवचन होता है। गमिष्यति गम धातु, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अक्रोत क्री धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो ये भी आपको फिर नोटबुक में करना है ये वाला पार्ट, और ये वाला भी पार्ट आप फिर नोटबुक में करोगे। अब है हमारा इस पार्ट का लास्ट पार्ट, अंतिम भाग क्या है? अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसार लिखत। तो ये आपके जो चैप्टर हैं, जो आपका पाठ है, उस पाठ में से जो ये लाइनें हैं ये आपको उल्टी सीधी दे दी, यानी कि कोई सी लाइन पहले लिख दी कोई बाद में लिख दी। तो हमें ये घटना क्रमानुसार लिखनी है कि पहले कौन सी घटना हुई है, भी पहले जन्म हुआ था या वो पहले पढ़ी थी, इन्होंने उल्टा सीधा दे रखा है। तो हमें इसमें से फाइंड आउट करके इनको नंबर देने हैं, इनको क्रम के अनुसार लगाना है। देखिए जैसे ये है, पहला है रमाबाई महोदयायः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत, कि रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। तो इससे पहले तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी, उनका जन्म भी हुआ था, माता पिता का नाम भी आया था, उन्होंने संस्कृत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, ये सारी बातें आई थी। तो इस पर हम नंबर एक नहीं डालेंगे। दूसरा है हमारा 1858 तमे कृष्णावदे रमाबाई जन्म अलाहाबाद, 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। तो सबसे पहले जन्म की बात बताई गई है तो जन्म वाली लाइन को नंबर दे देंगे एक। जन्म के बाद क्या हुआ? जन्म के बाद उन्होंने क्या अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी, तो हमारी ये चय वाली लाइन है या क्या दूसरे नंबर पे आ जाएगी। सा सव मातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। आप देखिए तीन नंबर पे उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद है ये वाली लाइन आएगी कि रमाबाई महोदयायः, रमाबाई महोदया ने विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास के सह साथ विवाह अभवत कर लिया या उनका विवाह हो गया। तो ये तीसरी लाइन बनेगी हमारी। चौथी लाइन में ये वाली लाइन आएगी सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश चली गई। इसके बाद है पांचवा सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थाप्यत, उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन का की स्थापना की, यह हमारा पांचवा है। और लास्ट है ये वाली लाइन घे वाली 1922 तमे ख्रिष्टाबदे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, कि रमाबाई का 1922 ईस्वी में निधन हो गया था। यह आप अपनी फेयर नोटबुक में नहीं करोगे, मैंने आपको बता दिया है जो आपको भाग अपनी फेयर नोटबुक में करना है। पहला है ये, दूसरा है प्रश्न निर्माण वाला, इधर आपका चौथा भाग है, और ये पांचवा है छठा, और इधर से जो ये दीर्घ हैं ये आप अपनी फेयर नोटबुक में नहीं करोगे। इनके प्रश्न उत्तर आप लेसन पढ़कर जो आपने पाठ पढ़ा था उसमें से फाइंड आउट करोगे। अब इस पाठ के बाद हम आगे व्याकरण का काम शुरू करेंगे, व्याकरण ही करवाएंगे। तो तब तक आप अपने
जो ये पाठ है इसको पढ़ोगे और अपने पेरेंट ग्रुप में करोगे। धन्यवाद।